वालेकुम अस्सलाम। तो हो गई जाना आपकी वापसी। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारा वापसी आने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ किसी को मेरा वापसी का इंतजार नहीं है। आरिस, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर अहम हूँ? ओफो, एक तो तुम लड़कियां ख्वामखा इमोशनल होने लगती हो। ये 100 बखेड़े हैं मेरी जिंदगी के साथ। काम से ही गया हुआ था, वरना सुबह से शाम तक किसी को ख्वार होने का शौक तो है नहीं। एक फोन कॉल ही कर लेते, मैं खुश हो जाती। और अगर ये फजूल के गिले शिकवे करने के बजाय तुम थोड़ा आराम से बात कर लेती तो मैं भी खुश हो जाता ना। तुम्हें क्या पता दिली दिल में कितना मिस किया मैंने तुम्हें, और मैं दिली दिल में खफा भी था कि गई हो तो वापसी का रास्ता ही भूल गई हो। जो तुम आ गई हो ना, मैं बड़ा खुश हूँ। मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये तुम क्या आते साथ ही काम शुरू करने लग गई हो? सारा टाइम तो सच्ची संभाल रही थी, सोचा कि मैं आज कर देती हूँ। अरे ये क्या, अभी तुम आई और आते साथ ही बावर्चे खाने में घुस गई हो। मैं बना लेती हूँ ना नाश्ता, तुम्हें भूख लगी थी मुझे बता देती बेटा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कल से नहीं आओगी तुम बुर्जे खाने में, मैं खुद सारे काम करूंगी। मैं जरा तुम्हारे चचा को देख कर आती हूँ, उन्होंने कहीं जाना था। तैयार हुए कि नहीं?